नमस्कार दोस्तों, आगरा की रसोई में मैं वर्षा वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बैगन के भरते की इजी सी रेसिपी। खाने में बेहद टेस्टी, बनाने में बहुत आसान। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए 3 बैगन। तो वजन में ये 300 ग्राम बैगन है, 1 बड़ा प्याज जिसको मैंने बड़ा बड़ा कट कर लिया है, 8-10 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, तो इन सभी को मैंने कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, इस गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। भरते के लिए सबसे पहले बैगन में हम कट लगा लेंगे, तो इस तरह से कट लगाना है। तो बैगन को हम चेक कर लेंगे कि बैगन हमारा सही है या नहीं, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से दो दो तीन तीन कट लगा लेंगे। बैगन पे हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इस तरह से। तो इसे मैं गैस पर रख देती हूँ। गैस पर मैंने एक स्टैंड रख लिया है जिससे हमारे तीनों बैगन साथ ही आ जाएंगे। तो सभी बैगन को इस पर रख देंगे और पलट पलट कर इसे हम इसे भून लेंगे। बैगन हमारे भुन गए हैं, देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल कर इसका हम छिलका निकाल देंगे। बैगन का छिलका निकाल दिया है, तो अब इसे एक चम्मच से मैश कर लेंगे। तो बैगन हमारा मैश हो चुका है, कढ़ाई की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को अच्छे गर्म होने देते हैं। तेल के गर्म होते ही 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग। जीरे को चटकने देते हैं अच्छे से। जीरा भुन चुका है, प्याज डाल देंगे। प्याज डालकर 1-2 मिनट भून लेंगे। 1-2 मिनट भूनने के बाद अदरक, हरी मिर्च और लहसुन तीनों को डाल देंगे और इन्हें हम गोल्डन ब्राउन अच्छे से भून लेंगे, प्याज का कलर चेंज होने तक। प्याज को मैंने 3 मिनट करीब भून लिया है, तो इसने हल्का कलर चेंज कर दिया है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच फ्रेश मटर डाल देंगे। आप चाहो तो फ्रोजन मटर भी इसमें यूज़ कर सकते हो, तो मटर से इसका टेस्ट और लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो 4 से 5 चम्मच डाली है। मटर को डालकर प्याज के साथ अच्छे से भूनते हैं। मटर को भी 2 से 3 मिनट भून लिया है, तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच नमक। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दें। तो मसाले डालकर इसे हम 1-2 मिनट अच्छे से भूनते हैं। गैस की फ्लेम को कम कर देंगे क्योंकि मसालों में हमने पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है। तो मसालों के भूनते ही टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को मैंने कम ही रखा है, तो इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट पका लेंगे, जिससे हमारे टमाटर और मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। प्याज, टमाटर और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, लगभग 5 मिनट हो गई है तो इसे पकते हुए। तो देखिए बहुत ही अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, देखने में ही लग रहा है, और इसने तेल रिलीज करना शुरू कर दिया है। तो अब गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देते हैं और जो हमने बैगन मैश करके लिया है, तो इस बैगन को इसमें मिक्स कर देंगे। बैगन को मिक्स करके इसे हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1-2 मिनट इसे और पका लेंगे, जिससे मसालों का सभी फ्लेवर हमारे बैगन के भरते के अंदर आ जाए। 2-3 मिनट पका लिया है, तो बैगन का भरता हमारा बन के रेडी है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हरा धनिया डालकर इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। मिक्स कर लेंगे।